दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन दिस डे सीरीज, अक्टूबर 30 के फ्रेश कमाल मज़ेदार बढ़िया एपिसोड में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे ही देखिए, आपको दिखेगा लोगो, दिख रहा है चैनल का ब्लैक कलर का, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर रोज़ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मिलती हैं इसी चैनल पे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। दोस्तों, आज के इतिहास में सबसे पहले आता है 1984 की वह घटना जिसने भारत से उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री और तीसरी प्रधानमंत्री को छीना था। तो आज ही के दिन, सही सुन रहे हो आप, आज ही के दिन हमारी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गोलियां मारकर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। आज ही के दिन, 30 अक्टूबर के दिन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अब ये क्यों हुआ, ये आपको पता होगा। 1984 में पंजाब में सिख राइट्स बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था। उसके तहत सिखों की सबसे पायस जगह जो है गोल्डन टेम्पल, उसमें आर्मी को बुलाया गया और उसका काफ़ी नुकसान हुआ। आर्मी जूतों के साथ अंदर आए, तो इसी वजह से सिख को बहुत गुस्सा था इस पे। तो बस इंदिरा गांधी जी गई उसी वजह से। तो चलिए, जिसको जाना है उसकी मौत तो पहले से ही निश्चित है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है 1995 में, क्यूबेक एक प्रोविंस है कनाडा का, उसमें एक रेफरेंडम पास हुआ। उसमें वोट काउंट, मतलब पहले क्यूबेक में एक चल रहा था कि हमें कनाडा से अलग होना है, पर तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने फाइनली एक रेफरेंडम किया और क्यूबेक में जब वोट्स आई तो क्यूबेक में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम कैनेडा के साथ रहेंगे, और क्यूबेक कैनेडा का पार्ट रह गया। और अब आता है 2016 का इवेंट। 2016 में सेंट्रल इटली में 6.6 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया था, जो कि अपने आप से 36 साल पहले आया था ऐसा ही अर्थक्वेक सेंट्रल इटली में। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।